हेलो दोस्तों, स्वागत है देवरानी जेठानी किचन में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लौकी का पकौड़ा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत झटपट से बन करके तैयार हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो लौकी का पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा केजी लौकी लिए हैं। इसका छिलका उतार करके हम अच्छे से धो कर के साफ़ कर लिए हैं, और इस तरीके से हमने कट किया है, लंबा और गोल दोनों तरीके से कट किया है। आप चाहे तो गोल भी कट कर सकते हैं या लंबा भी कट कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिए हैं, आधा कप चावल का आटा। चावल का आटा से मेरा पकौड़ा क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अनुसार नमक। तो और यहाँ पर तलने के लिए हम रिफाइंड ऑयल लिए हैं, और 1 बॉल यहाँ पर लिए हैं। तो इसी में हम अपना पकौड़ा का बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन डाल देंगे और चावल का आटा दोनों एक साथ डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और यहीं पर अपना मसाला ऐड करेंगे। तो ये लाल मिर्च पाउडर है और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये जीरा पाउडर, गरम मसाला और टेस्ट के अनुसार नमक। और सारा को एक साथ मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला को। और यहीं पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर के अपना बैटर तैयार कर लेंगे। और यहीं पर हम थोड़ा सा अजवाइन लिए हैं, इसको हाथ से मसल करके डालेंगे। अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है। और ये लहसुन है, इसको हमने कूच करके लिए है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन कूच करके डालने से टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालें। और इस तरीके से अपना बैटर तैयार किए हैं, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, मीडियम हमने बैटर तैयार किए हैं। इस तरीके से मेरा बैटर पकौड़ा के लिए रेडी है। चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पर मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसी में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, हम रिफाइंड में बना रहे हैं। तो मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसी में हम पकौड़ा तलेंगे। तो जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम पकौड़ा डाल देंगे एक साथ। तो मेरा 4 पकौड़ा आया है, तो चारों को एक साथ डाल दिए हैं। अब एक तरफ से पक जाएगा तो हम दूसरे तरफ से पलट देंगे। तो मेरा एक तरफ से पक चुका है, अब दूसरी तरफ से पलट दे रहे हैं। इसी तरीके से हमको अलट पलट करके अपना पकौड़ा तल लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए कितना फूला फूला सा लग रहा है, बहुत अच्छा फूलता है लौकी का पकौड़ा। तो मेरा पकौड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का पकौड़ा हम इसी तरीके से तल लेंगे। तो मेरा पकौड़ा बन कर के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना फूला फूला सा बन कर के तैयार हुआ है। आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा पकौड़ा बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।